प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इमेज फाइल टाइप्स को लेकर। ठीक है, फर्स्ट है डॉट TIFF। TIFF स्टैंड्स फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट विच इज ए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। ठीक है, TIFF की फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि एक हाई क्वालिटी वाली पिक्चर्स होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं। इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड कैन बी converted into .jpeg, GIF और PDF format by using image converter। तो इनको compress किया जा सकता है and can be converted और इनको बदला भी जा सकता है JPG, GIF और PDF file format में by using image converter। ठीक है, अब ये होती कैसी है देखने में, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। .tif files ये होती है, इस तरह का इनका आइकन्स होते हैं और तरह की भी होती हैं ये सारी की सारी इमेजेस। और मोर इमेजेस में यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे दी हुई है इमेज की, ये है, ये है, और इनमें जो बनी हुई है ये है। ठीक है, कुछ एक यहाँ पे मिल जाएंगी देखने के लिए, इसके अंदर है ये नेट के ऊपर, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी इमेजेस होती है। ये बना हुआ है, ये TIFF है। ठीक है, इनका जो एक्सटेंशन होता है मतलब TIFF में होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं .psd की। .psd stands for Photoshop document which is created in Adobe Photoshop। ठीक है, PSD की फुल फॉर्म है Photoshop document। अब ये जो PSD होती है इनको हम Adobe Photoshop के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, Photoshop document जो कि एडोब फोटोशॉप के अंदर क्रिएट होती हैं। वेब ब्राउजर कैन नॉट डिस्प्ले दीज इमेजेस ओवर द इंटरनेट। जो वेब ब्राउजर जो होते हैं ना, वो इन इमेजेस को डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट के ऊपर डिस्प्ले नहीं कर पाता है। ठीक है, PSD को ये डिस्प्ले नहीं कर सकता है जब तक इनको हम GIF, TIFF या PNG में कन्वर्ट ना कर ले या JPG में कन्वर्ट ना कर ले। ठीक है, दीज इमेजेस आर इन अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट। ये जो इमेजेस होती हैं वो अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में होती है। ठीक है, एंड सो इट इज एक्सीलेंट फॉर एडिटिंग, इसलिए ये एक्सीलेंट होती हैं, अच्छी होती हैं एडिटिंग के लिए, क्योंकि ये अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में होती हैं। क्योंकि जो इमेजेस हम PSD के अंदर क्रिएट करते हैं, यानी कि एडोब फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करते हैं, वो सारी की सारी PSD फॉर्मेट में होती है और डिजिटल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो PSD फॉर्मेट में होगी वो मतलब डिजिटल फॉर्म में होगी और वो एडिट करना जो है वो बिल्कुल आसान होती है और अच्छी भी होती है एडिट करने के लिए। बिकॉज इट सपोर्ट लेयर्स एंड अदर एडिटिंग फीचर्स, क्योंकि जैसे हम वहाँ पे इन इमेजेस को ओपन करते हैं ना एडोब फोटोशॉप के अंदर, तो वहाँ पे पूरी की पूरी जो सेटिंग होती है इमेजेस को लेकर, उनकी लेयर्स के ऊपर कैसे काम करना है, क्लोनिंग कैसे काम करनी है, या इमेज का कोई पार्ट कैसे रिप्लेस कर देना है। जैसे चेहरे बदलते हैं ना इमेजेस के, चेहरा किसी और, बॉडी किसी और की होती है और चेहरा किसी और का होता है, यानी कि वो लेयर्स के ऊपर किस तरह से हम काम करते हैं, वो सारा का सारा जो है वो PSD के अंदर जो वो पॉसिबल है। इसलिए PSD में जो होती हैं वो एडिटिंग में सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। चलो मैं आपको इनको एडिट करके थोड़ा सा दिखाई देता हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप जो इसमें 7.0 है। पेज मेकर के बाद हम एडोब फोटोशॉप को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो सिमिलर हैं इसके अंदर, लेकिन ये एडवांस है, एडोब पेज मेकर से बहुत ज्यादा एडवांस है एडोब फोटोशॉप। वहां पे आपको कुछ एक बेसिक सी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिखाने से पहले आपको नोटपैड सिखाया जाता है ना, सेम वैसे ही आपको एडोब पेज मेकर सिखाया गया है सिर्फ एडोब फोटोशॉप को सिखाने से पहले। ठीक है, ये देखो एडोब फोटोशॉप का एनवायरमेंट सेम वैसे ही, यहाँ पे विंडोज है। ठीक है, और ये टूल बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये देखो पैलेट्स बनी हुई है, कलर के लिए अलग है, स्वेचेज है, स्टाइल पैलेट है, नेविगेटर है, यहाँ पे एक्शन हिस्ट्री पैलेट्स हैं, लेयर पैलेट्स हैं। ठीक है, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे हम काम कैसे करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे JPG है एक पिक्चर। ठीक है, डॉट JPG। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एडिटिंग करनी है, मान लो इनकी क्लोनिंग ही करनी है, तो क्लोनिंग के लिए यहाँ पे क्लोन टूल होता है हमारे पास। ठीक है, इसकी क्लोनिंग करनी है, वहाँ पे हम ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे
माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इस तरह से इसको हम यहाँ पे ये नहीं होगी, ठीक है। इनकी एडिटिंग होगी, ये बेस्ट है एडिटिंग में। ये जो हम इमेज यहाँ पे बना रहे हैं, जब इसको हम सेव करेंगे तो जेपीजी ऑप्शंस में है यहाँ पे, तो प्रेसिव एक तो यहाँ पे ये सेव हो गई, और दूसरा इसको हमने अगर पीएसडी में सेव करना है यहाँ पे सेव, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करेंगे, अगर कोई और टाइप नहीं है तो ये वाली टाइप लेता है यहाँ पे डॉट पी एस टी, यानी कि फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बैनर 3 नाम आ रहा है, डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। माई एडोब इमेज इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। ये देखो ये बने हैं यहाँ पे। अब ये अगर वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन करेंगे तो वहां पे ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये पीएसडी इमेज है, ये यहाँ पे ही ओपन होगी एडोब फोटोशॉप के अंदर। तो ये वाली होती है हमारी पीएसडी इमेजेस। अब बात करते हैं डॉट पीएनजी की, थर्ड है डॉट पीएनजी। पीएनजी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स व्हिच इज स्मॉल इन साइज लाइक जीआईएफ फाइल, ठीक है। पीएनजी की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, स्पेशली नेटवर्क के लिए डिजाइन की हुई है, और वेबसाइट के ऊपर भी हम ज्यादातर इन्हीं इमेजेस को यूज करते हैं, ठीक है। डॉट पीएनजी कैन सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी फीचर बट इट डज नॉट सपोर्ट एनिमेशन, ठीक है। पीएनजी जो पीएनजी इमेजेस होती है वो सपोर्ट करती है ट्रांसपेरेंसी होती है इनके अंदर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होती है जो चीज चाहिए, मतलब वही, और बैकग्राउंड में जो है वो हम पार्ट्स उसकी हटा सकते हैं, बट इट डज नॉट सपोर्ट एनिमेशन, लेकिन ये एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करती, जबकि जी आई एफ जो होती है पिक्चर्स वो एनिमेशन को सपोर्ट करती है। अब डॉट पी एन जी किस तरह की होती है इमेजेस इनको भी देख लेते हैं नेट के ऊपर। डॉट पी एन जी इमेजेस ये होती है, देखो डॉट पी एन जी इमेजेस इस तरह की ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में जो आती है ना ये इस तरह की दिखाई रहे हैं, इनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये चीज जो है वो अपीयर नहीं होती, जब भी इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये जो पोर्शन आ रहा है ना इस इमेज का, ये वाला ही कॉपी पेस्ट होता है ना, कि ये बैकग्राउंड, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। यही आएगा लोगो, बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहे हैं ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट सा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये नहीं आता है, ये जो फ्रंट वाला है यही आएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे बटरफ्लाई, ये भी ये आएगी, बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है। इनका जो ट्रांसपेरेंसी का पता है वो इनसे लग जाता है, ये बैकग्राउंड में आते हैं, ये ब्लॉक से बने होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ये होती है हमारी पीएनजी, ठीक है। अब बात करते हैं डॉट जीआईएफ की, ग्राफिक्स इंटरचेंज की। अब जीआईएफ स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट व्हिच इज स्मॉल इन साइज, ये भी स्मॉल इन साइज ही होती है, इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इंटरचेंज इसलिए बोल रहे हैं कि इनमें आंतरिक रूप से अपने आप ही जैसे बदलाव से होते हैं, ऐसी होती है क्योंकि एनिमेटेड होती है। इट कैन सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, ये भी ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है, एंड एनिमेशन फीचर, लेकिन ये एनिमेशन को भी सपोर्ट करती है, जबकि पीएनजी सपोर्ट नहीं करती है। इट इज कैपेबल फॉर डिस्प्लेइंग 256 कलर्स, सो इट इज अनसुइटेबल फॉर फोटोग्राफिक इमेजेस, ठीक है। अब देखो ना इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कैपेबल होती है सिर्फ 256 कलर्स को ही डिस्प्ले करती हैं, फिर ये अनसुइटेबल होती हैं फॉर फोटोग्राफिक इमेजेस, फोटो खींचने के लिए जो होती है, इसलिए इनका यूज नहीं करते हैं, इन फाइल एक्सटेंशन का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे यूज होता है डॉट जेपीजी। फोन से जो हम पिक्चर खींचते हैं कैमरा, डिजिटल कैमरा से जो इमेजेस हम कैप्चर करते हैं वो सारी की सारी डॉट जेपीईजी में होती है, ठीक है। अभी क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले कलर वो 256 कलर्स हैं, जबकि जो जेपीजी है, देखो जेपीजी स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये जेपीजी की फुल फॉर्म है। इट इज कैपेबल फॉर डिस्प्लेइंग 16.7 मिलियन डिफरेंट कलर्स व्हिच इज सुइटेबल फॉर फोटोग्राफिक इमेजेस, ठीक है। अब देखो ये जो इनमें जो कैपेबिलिटी होती है, इनमें जो
क्षमता होती है देखो, तो वो 16.7 मिलियन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ये डिस्प्ले कर सकती हैं। अब जो हम कैमरा से फोटो खींचते हैं वो सेम वैसे तो आते हैं नेचुरल इमेजेस, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये सुटेबल होती है फोटोग्राफी के इमेजेस के लिए, फोटो वगैरह खींचने के लिए सुटेबल होती है, इसलिए इन्हीं को यूज किए जाती है, इन्हीं की टेक्निक जो है वो कैमराज के अंदर, डिजिटल कैमराज के अंदर इन्हीं की टेक्निक यूज की जाती है। इट कैन नॉट सपोर्ट एनिमेशन फीचर, लेकिन ये एनिमेशन फीचर को सपोर्ट नहीं करती है। एंड कंप्रेशन ऑफ दिस फाइल रिड्यूस इट्स साइज, लेकिन और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको हम कंप्रेस कर देते हैं तो इनका जो साइज है वो रिड्यूस होता है और साथ में इनकी क्वालिटी भी चली जाती है, क्वालिटी भी लॉस्ट हो जाती है। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड एज डॉट जेपीईजी देन डिजिटल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। बोल रहे हैं कि जब भी इन फाइल को हम सेव करते हैं डॉट जेपीईजी में तो इनकी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है यानी कि एडिटिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखो इस तरह का, जैसे अभी यहाँ पे ये जो इमेज है ना ये है डॉट पीएसटी, जैसे इसको हम PSD में रहने देंगे तो ये PSD में इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसको हम JPG में स्टोर सेव कर देंगे ना तो इसकी जो एडिटिंग वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ से चली जाएंगी। जैसे JPG में इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे जो लेयर्स बन रही हैं, लेयर्स के ऊपर हम जो काम करते हैं वो सारा का सारा जो है यहाँ से अनडू हो जाएगा, सारा का सारा चला जाएगा, मतलब एक अनएडिटेबल जो पिक्चर है वो फिर वही डिस्प्ले होगी यहाँ, ठीक है। इसे सबसे बेस्ट होती है डॉट PSD एडिटिंग के लिए, लेकिन बनाने के बाद अगर हमने कहीं पे यूज करनी है तो वो बेस्ट JPEG होती है फिर, ठीक है, और GIF तो एनिमेशन के लिए होती है, लेकिन वेबसाइट के लिए .png बेस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी था, इमेज फाइल की टाइप्स की काफी थी। अब कल हम मिलेंगे फोटोशॉप के जो वर्किंग एनवायरनमेंट इसकी जो पैलेट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तब तक आप सभी यही जो हमने स्टडी कर लिए हैं, जो हमने सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इनको रिवाइज करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।